एसटीएस मॉक पेपर 4 हम डिस्कस कर रहे थे ग्रेड 5 to 15 की जॉब्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक हमने कल के पेपर में डिस्कस किया, आज 51 से 100 तक डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, द मेजर वर्कफोर्स ऑफ पाकिस्तान इज इन द सेक्टर ऑफ, पाकिस्तान की जो ज़्यादातर वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर सेक्टर में है, गलबन 42 से 43% इसमें आती है। इसके अलावा आपको टाउन ऑफिसर, म्यूनसिपल ऑफिसर और एसपीएससी, एचएसटी, एसएसटी गाइड्स भी हासिल कर सकते हैं और आईबीए के गेस्ट पेपर की कंप्लीट सीरीज़ भी आप हासिल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स, और एसटीएस के मॉक टेस्ट के लिए भी आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सर्वाइव सेंचुरीज, मतलब बहुत 100 सालों तक ये चीज़ रह सकती है, वो है हनी, शहद जो है वो ख़राब नहीं होता। 53, द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम बॉडी, किडनी गुर्दे का क्या काम होता है कि जिस्म में जो फाजल मादे होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिमूव करता है, फिल्टर आउट करता है। 54 है, इट इज़ डेंजरस टू स्लीप अंडर ट्रीज एट नाइट बिकॉज प्लांट्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, रात के वक्त प्लांट के नीचे अगर सोता है बंदा तो वो डेंजरस क्यों होता है, क्योंकि प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इमिट आउट करते हैं जिसकी वजह से फिर आपको सफोकेशन वगैरह हो सकती है, ये ऑप्शन इसमें सही है। 55, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कास्ड बाय वायरस, वायरस से कौन सी डिजीज़ होती है, वो है स्मॉल पॉक्स। इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि कुछ डिजीज़ जो है वो वायरस से होती हैं और कुछ बैक्टीरिया से होती हैं, तो उनकी क्लासिफिकेशन होती है, वो आप कोशिश करके याद करें ताकि दूसरे भी क्वेश्चन इसी तरह के आ सकते हैं। जैसे ये निमोनिया है, मलेरिया है, कॉलरा है, तो ये आपने बताना है कि ये वाटर बोर्न डिजीज़ है या एयर बोर्न डिजीज़ है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। 56, अ कंप्यूटर मेनली कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है, और कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स भी आ जाता है। 57 है, द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ नॉर्मल मैन इज 36.9 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस। 58 है, इन द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटीज़ आर एलोकेटेड, माइनॉरिटीज़ को जो है वो 10 सीटें हैं पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में, इसी तरह वुमेन की जो है वो 60 सीट्स हैं, माइनॉरिटीज़ और वुमेन ही एलोकेट होती हैं। 59, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब बाय एरिया आउट ऑफ द फॉलोइंग, बहावलपुर जो है वो पंजाब का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है रकबे के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 65 है, द लेटेस्ट कंट्री यानी 193rd कंट्री टू बिकम मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज, 193 नंबर पे कौन से कंट्री ने यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया है, वो है साउथ सूडान, 65 का सी ऑप्शन सही है। 66 है, ट्रैकोमा इज ए डिजीज ऑफ, ट्रैकोमा आईज की डिजीज है, आंख की डिजीज है, 66 का डी ऑप्शन सही है। 67 है, द एलिमेंट विच इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट जो है यानी जमीन का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है उसमें सबसे ज्यादा जो एलिमेंट पाया जाता है, अब यहाँ पर याद रखना है एलिमेंट है ना कि ये मेटल वगैरह की बात कर रहा है, सिर्फ एलिमेंट की बात कर रहा है, तो इसमें ऑक्सीजन है जो कि अराउंड 60% होती है टोटल मास ऑफ क्रस्ट, तो डी ऑप्शन सही है। 68 है, द गैस कॉमनली यूज इन बलून्स, गुब्बारों में जो फुला के इस तरह से बेच रहे होते हैं वेंडर्स, उसमें जो है वो हीलियम गैस यूज होती है, 68 का बी ऑप्शन सही है। 69 है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हैज सेम केमिकल कंपोजिशन एज दैट ऑफ सुई गैस, यानी मीथेन या सुई गैस जिसको कहते हैं उसके साथ सेम कंपोजिशन होती है सीएनजी जो हम गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं। 70 है, एन ऑर्डिनरी मोबाइल फोन कम्युनिकेट्स बाय यूजिंग रेडियो वेव्स के थ्रू, काम करता है हमारा जो मोबाइल फोन है इसमें जो सिग्नल्स आते हैं वो रेडियो वेव्स होती हैं। 71 है, अनदर ऑर्गन दैट फिल्टर्स ब्लड बिसाइड द हार्ट इन ह्यूमन बॉडी इज लिवर, सी ऑप्शन सही है। 72, ड्यूट्रियम ऑक्साइड इज द केमिकल नेम ऑफ हैवी वाटर को कहते हैं ड्यूट्रियम ऑक्साइड, 72 का बी ऑप्शन सही है। 73 है, व्हाट पॉइजनस गैस इज कंटेन्ड इन एग्जास्ट फ्यूम्स ऑफ कार्स, कार के जो एग्जास्ट फ्यूम होते हैं यानी जो साइलेंसर से
एयर निकलती है उसमें कौन सी पॉइजनस गैस होती है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। अब रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ था मरी में, जो सयाह फंस गए थे और फिर उनमें उनकी डेथ भी हुई थी, उसमें भी यही चीज़ थी, कार्बन मोनोऑक्साइड के फ्यूम्स जो थे वो कलेक्ट होके उनको फिर सफोकेशन हुई, तो ये पॉइजनस गैस होती है। सी ऑप्शन सही है। 74 हु स्कोर्ड अ सेंचुरी बिफोर लंच इन अ टेस्ट मैच, यानी लंच से पहले किस बैट्समैन ने सेंचुरी स्कोर की थी, वो है माजिद खान। डी ऑप्शन सही है। 75 विद विच स्पोर्ट्स मेटाडोर इज एसोसिएटेड, बुल फाइटिंग के साथ इनका ताल्लुक है। 76 नेम द बिगेस्ट बैराज ऑफ पाकिस्तान, सखर बैराज। 77 इन विच ये डॉक्टर अब्दुल सलाम रिसीव नोबेल प्राइज, 1979 में डॉक्टर अब्दुल सलाम को फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। 78 है व्हेन नैब वाज एस्टैब्लिश्ड, 16 नवंबर 1999 को नैब एस्टैब्लिश हुई थी, और नैब का जो एक्ट है वो भी उसमें भी यही डेट इसकी है, उसके पास होने की भी यही डेट है 16 नवंबर 1999। 79 ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद स्किन इज कॉल्ड डर्मेटोलॉजी, डी ऑप्शन करेक्ट है। 80 ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन स्टडिंग ब्लड एंड इट्स डिसऑर्डर इज कॉल्ड हेमाटोलॉजी, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 81 है पार्किंसंस डिजीज एसोसिएटेड विद, ब्रेन के साथ इसका ताल्लुक होता है, दिमाग के साथ इसका ताल्लुक होता है, और ये इसका एक और भी क्वेश्चन आता है कि पार्किंसंस डिजीज किसकी वजह से होती है, तो वो मैड काओ मीट उसकी वजह से होती है। 82 विच इज काज ऑफ डेंगी फीवर, एडिस एगिप्टस, ये मच्छर होता है जिसकी वजह से डेंगी बुखार जो है वो फैलता है। 83 विच विटामिन गेट्स डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग, हीटिंग से कौन सा विटामिन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो है विटामिन सी। 84 है द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश्ड एट, कराची में पहला पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्लांट बनाया गया था, एस्टैब्लिश हुआ था। 85 व्हेन डिड एडमंड हिलरी स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, कब एडमंड हिलरी ने माउंट एवरेस्ट को समिट को रीच किया था, 1953 में एडमंड हिलरी ने माउंट एवरेस्ट को समिट किया था। 86 है नील आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट मैन टू सेट फुट ऑन द मून इन द ईयर, नील आर्मस्ट्रांग जिस जो कि पहला बंदा है जिसने चांद पर कदम रखा था, उसने 1969 में अपोलो 11 उसका मिशन था, अमेरिका का ये मिशन था, उसमें ये जो कारनामा था वो सर अंजाम दिया था। 87 हाईएस्ट स्कोर इन हिस्ट्री ऑफ वनडे क्रिकेट इज 489, इंग्लैंड ने स्कोर किया है रिसेंटली वर्सेस नेदरलैंड्स एट एम्स्टेलविन 17 जून 2022 को, इससे पहले भी इंग्लैंड का रिकॉर्ड था ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो उन्होंने नॉटिंगम में किया था, तो अभी सी ऑप्शन सही है 498। 88 विच कंट्री हैज द ओल्डेस्ट एंथम ऑफ वर्ल्ड, जापान। 89 लास्ट वीक ऑफ सितंबर इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड मैरीटाइम डे। 90 विच इज द ईयर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन का साल किसको कहा जाता है, वो है 1789। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन का कोई एक साल नहीं था, बहुत सालों तक ये चलता रहा, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर साल होता है जिसको ये रिगार्ड करते हैं कि भाई इस साल को हम फ्रेंच रेवोल्यूशन का साल मनाते हैं, तो वो 1789 था। अब 91 से 100 तक ये हमारा इस्लामिक का सेक्शन होगा, इससे पहले जनरल नॉलेज का था और इस्लाम उसमें हमने साइंस भी की, अब इस्लामिक शुरू करेंगे। द एंजल हु डिलीवर्ड मैसेज टू प्रॉफिट मोहम्मद फ्रॉम अल्लाह वाज जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला से वही लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे जिब्राइल अलैहिस्सलाम। अल हुदैबिया ट्रीटी वाज स्क्राइब्ड बाय, यानी अल हुदैबिया जो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया थी, सुलह हुदैबिया हुई थी मुसलमानों और कुफार के दरमियान, वो हजरत अली ने लिखी थी, स्क्राइब का मतलब था लिखने वाला। 93 प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम लिव्ड इन मदीना फॉर 10 साल तक रहे थे मदीना में। व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन प्रॉफिट इस्माइल एंड प्रॉफिट इसहाक, ये दोनों भाई थे और ये हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम के बेटे थे। नेम द वाइफ ऑफ प्रॉफिट हु वाज डॉटर ऑफ उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत हफ्सा जो थी वो हजरत उमर की बेटी थी और उस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
अजवाज मुतहरात थी, यानी उम्मुल मोमिनीन मुसलमानों की माँ जिसको कहते हैं वो थी। 96 केव ऑफ हिरा इज इन डेश माउंटेन, जबले नूर में है गारे हिरा। 97 नेम द एंजल हु वाज अपॉइंटेड टू डिलीवर मैसेज टू प्रॉफिट मोहम्मद फ्रॉम अल्लाह, जिब्राइल अलैहि सलाम। 98 डेश टेक्स आउट सोल्स ऑफ लाइफ बियरिंग क्रिएचर्स, जो रूह को कब्ज करते हैं वो हैं हजरत इज़राइल अलैहि सलाम। ये भी एक फरिश्ते हैं, बड़े चार फरिश्तों में से ये भी एक है, तो इज़राइल अलैहि सलाम जो रूह कब्ज करते हैं। 99 है नमाज खसूफ इज ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ ल्यूनर इक्लिप्स, चांद ग्रहण जब होता है तो तब नमाज खसूफ अदा की जाती है, और नमाज कसूफ जो है वो सूरज ग्रहण के वक्त अदा की जाती है। अब इसमें फ़र्क याद करने के लिए है कि जो खसूफ ये खे से आता है और ये ल्यूनर इक्लिप्स के टाइम पे होता है, और नमाज कसूफ काफ से वो सूरज ग्रहण के टाइम पे होता है। खतीबुल अंबिया इज द टाइटल ऑफ हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का, ये टाइटल है खतीबुल अंबिया। ये आप व्हाट्सएप के ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे चैनल की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है दूसरे मॉक टेस्ट और गैस पेपर इस पर डिस्कस हुए हुए हैं वो भी आप देख सकते हैं, और इसको दूसरों तक ज़रूर शेयर करें, दूसरों को इनवाइट करें ग्रुप में ताकि सबकी अच्छे से तैयारी हो जाए। और आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़रूर शेयर करें और उस पर कमेंट ज़रूर करें। फिलहाल इतना ही, थैंक यू।